पहला क्वेश्चन है कि संवेदी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों संवेदी अंगों का अध्ययन कहलाता है एस्थीसियोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेंसिटिव ऑर्गन का अध्ययन किया जाता है एस्थीसियोलॉजी कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि बालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्राइकोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन है कि कशेरुकाएं किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा रेगुलर बोन, ठीक है, अनियमित प्रकार की हड्डी। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि कार्पल एवं टार्सल बोन किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है? तो दोस्तों ये शॉर्ट बोन के उदाहरण हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन कौन सी है? तो दोस्तों जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन है पटेला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुर्गे में सिस्मोइड बोन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मुर्गे में सिस्मोइड बोन की संख्या 0 होती है, यानी कि सिस्मोइड बोन होती है जो मुर्गे में अनुपस्थित होती है। सातवां क्वेश्चन है कि पक्षियों की आंख में पाई जाने वाली विसरल बोन है? तो दोस्तों पक्षियों की आंख में 2 पाई जाती हैं, ऑस ऑप्टिकस, जिनकी संख्या 2 होती है। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि ऑस फ्रेनिक पाई जाती है? तो दोस्तों ऑस फ्रेनिक पाई जाती है जो ऊंट के डायफ्राम में पाई जाती है, उसकी संख्या होती है दोस्तों 1 होती है, और यह कैसी बोन है? यह विसरल बोन का उदाहरण है। दोस्तों नवां क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक बोन किन में पाई जाती है? तो दोस्तों न्यूमेटिक बोन पाई जाती है जो पक्षियों में पाई जाती है, और पक्षियों को क्या है, वे उड़ने में सहायता करती हैं। दोस्तों दसवां क्वेश्चन है कि मुर्गे में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मुर्गे में हड्डियों की कुल संख्या होती है 169। अब दोस्तों ग्यारहवां क्वेश्चन यह है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों जो फीमर है वो जानवर के शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी हड्डी है। बारहवां क्वेश्चन है कि सुअर की थूथन में पाई जाने वाली विसरल बोन कौन सी है? तो सुअर की थूथन में ओस रोस्ट्रियल विसरल बोन पाई जाती है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब तेरहवां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जानवर के शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? मध्यकर्ण में पाई जाती है। चौदहवां क्वेश्चन है कि पक्षियों के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों पक्षियों के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? टिबियो टार्सस, जबकि जानवरों की कौन सी है? फीमर। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पंद्रहवां क्वेश्चन है कि गाय के हृदय में पाई जाने वाली विसरल बोन कौन सी है? तो गाय के हृदय में दोस्तों एक बोन पाई जाती है जिसे हम ऑस कॉर्डिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हर्ट में पाई जाती है और इसकी संख्या होती है वो 1 होती है। सोलहवां क्वेश्चन है कि पक्षियों में पाए जाने वाला बोनी स्पूर किन हड्डियों से मिलकर बना होता है? दोस्तों पक्षियों में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोनी स्पूर कहते हैं, और वो किससे मिलकर बनी होती है? टार्सो मेटाटार्सस बोन। सत्रहवां क्वेश्चन है कि जानवर के कंकाल की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों जानवर के कंकाल की सबसे कठोर हड्डी है पेट्रस टेम्पोरल बोन, जो कि सबसे कठोर होती है। अब अठारहवां क्वेश्चन है कि कुत्ते के सिसन में पाई जाने वाली विसरल बोन कौन सी है? तो दोस्तों कुत्ते के सिसन में ऑस्पेनिस नाम की विसरल बोन पाई जाती है, जिसकी संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गे में सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? तो सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या 14 होती है दोस्तों, जबकि थोरेसिक वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों बीसवां क्वेश्चन है कि जानवरों में सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? तो जानवरों में दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है दोस्तों, जबकि थोरेसिक की संख्या कितनी होती है? अलग अलग होती है।